राम राम सर। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। मैं सीमा राठौर शैलजा आप सब रो घड़े मान स्वागत करूं। गणगौर पे किन तरीका सो आप देखो कि छारंडी सो शुरू हुए और जो नोड़ तो है अपनो चैत को तीसरो नोड़ तो है बठे तक वो गणगौर को जो त्यौहार है वो मनायो जावे। तो यो जो त्यौहार है इनरो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक जो है उन दृष्टि से भी आप देखा तो बहुत महत्व है। अठा देखा कि किन तरीका सो अरज करे है कि भंवर माने खेलन दो गणगौर, भंवर माने पूजन दो गणगौर। तो किन तरीका से क्योंकि वे 18-20 दिन जिका है वे पीर में जाने को मौको मिले तो वह अठा अरज करे है कठे वह कह रहे कि बरसंता बादल यहीं रहो सा पूजन दो गणगौर। तो इन तरीका से आपका पति ने भी जट सास रंग पूजन को मौको मिले बढ़े आपका पति ने कर ली है। आपने जो गणगौर को त्यौहार है इमें आप देखा कि जो जिकी भी जाति है जात तो बाको जितो भी जितो समृद्ध है बाका बित्ता ही सजीव चित्राम अपने इमें संस्कृति में देखने मिले। तो सजीव चित्राम वे जितना भी रूढ़ो राजस्थान रहे वह अपने गणगौर का त्यौहार में दिखाएंगे। अपने जो गणगौर का त्यौहार है इनमें कैबत भी है किन तरीका सो कि 30 तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तिवार जगह शुरू हुए वो 30 हुए और फिर गणगौर से अपने खत्म हो जावे। यूं ही एक कहावत है कि घोड़ा जब गणगौर पे नहीं दौड़सी तो कद दौड़सी, क्योंकि घुड़दौड़ और ऊंट दौड़ यह भी इन वक्त हुआ है। और इन तरीका से एक हाडो ले डूबियो गणगौर कि किन तरीका से जो बूंदी का हा जोत सिंह जी और बाका जिकी रानी हा स्वरूप कंवर तो वे गणगौर की प्रतिमा रे साथ है और नौका विहार तानी गया और बैठे के यहाँ हाथी लड़ रहे और वहाँ की जिकी नौका ही वह उलट गई। तो जब यो कह जावे कि गज मेमनता आम लिया खचकी लांबी डोर, गज मेमनता आम लिया खचकी लांबी डोर, जैता सागर माँ ही ने हाडो ले डूबियो गणगौर, हाडो ले डूबियो गणगौर। तो आपने विविधता पूर्ण या जो संस्कृति है इन अपन मनावन रही जरूरत है। अपनी भाषा अपनी संस्कृति रही अगर आप महत्व नहीं समझेगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाओगा। इन वास्ता हाँ अने मनाता रहा आज आप इन त्यौहार की वजह से सब भेड़ा होया। तो यो जो वो भाईचारा के दृष्टि से देखे और जो सरसता के दृष्टि से देखे या फिर चारों तरफ आप देखा है क्या नीरसता को वातावरण बन जाए है तो इन त्यौहार में आप देखो कि सरसता आ जाए चारों तरफ सब लोग की हर्ष और उल्लास को वातावरण छा जाए। तो आज इन कार्यक्रम को आप सब लोग आयोजन जो को कर रहे हैं उनको आनंद लो। इनके साथ ही राम राम। हेलो और ज्वाला मुंह बड़ियों है शत्राणी रो इतिहास, यो आप हत्या नहीं यो वीर गति रो प्रमाण है। धर्म ती बड़ो है जोहर, हर विजय ती बड़ो है जोहर, राजपुताना रो गौरव है जोहर। जय भवानी। मैंने इसमें रोल और इस मूवी को बनाने का सिर्फ एक ही अर्थ था कि जोहर का सत्य बताना, क्योंकि राजस्थान में नहीं किसी को भी अपने बीच में भी यहाँ पे अगर किसी को पूछे जोहर का साचा अर्थ क्या है तो कोई सही जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो जौहर का एक सही अर्थ बताने के लिए माँ पद्मावती करके एक शॉर्ट मूवी बनाई मैंने। जौहर का अर्थ यही है कि एक सती होना और जौहर होना दोनों अलग है। जौहर होना जब हमको पता चल जाता है कि युद्ध समाप्त होने पर नहीं है और हमारे क्षत्रिय जो सब साकार कर चुके हैं तो क्षत्रियों के पास और कोई विकल्प नहीं होता है। सती होना एक अलग होता है जब अपने पति के साथ सती होना, और उनके पास जब ये विकल्प नहीं बचता है तो अब स्वयं को आग में समर्पित कर देती है। तो यही एक जोहर का सच्चा अर्थ है। और गणगौर टीवी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, मुझे आमंत्रित किया, आप सभी को इतने प्यारी प्यारी लेडीज़ को ये आमंत्रित किया। सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।